हेलो स्टूडेंट्स, ए के एस लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले हमारे वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए, आज हम लाए हैं आपके लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, यानी रिकवरिंग ऑफ पोजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। ब्रिटिश अंतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 और 6 में स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन धाराओं के प्रावधानों को दो शीर्षकों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है स्थावर संपत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति, और दूसरा है स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा कब्जे का प्रत्युद्धरण। तो कब्जे की पुनः प्राप्ति की व्यवस्था धारा 5 में की गई है। इस धारा के अनुसार यदि व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार उस संपत्ति पर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है। यह धारा केवल अचल संपत्ति से संबंधित है। इसी में आगे, किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति कौन है, तो इस धारा में कब्जे के हकदार व्यक्ति को इस अर्थ में समझा जा सकता है कि जिसे किसी संविदा के अंतर्गत स्थावर संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हक है। उदाहरण के लिए, ए ने बी से उसका मकान खरीदा, ए ने मकान की कीमत बी को अदा कर दी, परंतु बी ने उस मकान का कब्जा ए को नहीं दिया। ऐसी स्थिति में ए धारा 5 के अंतर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार माना जाएगा। इसी में दूसरा उदाहरण है, ए ने बी को अपना मकान 3 वर्ष के लिए किराए पर दिया, 3 वर्ष बाद अवधि नहीं बढ़ाई गई, तो वी को चाहिए कि वह मकान का कब्जा ए को सौंप दे। वी के द्वारा कब्जा न सौंपने की स्थिति में ए धारा 5 के अंतर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। आगे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के दिन पुनः कब्जा कैसे प्राप्त किया जा सकेगा? तो सिविल प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को सिविल न्यायालय में वाद दायर करना पड़ता है, जो वाद पत्र द्वारा दायर किया जाता है। संपूर्ण सिविल प्रक्रिया वही अपनाई जाती है जो वादों के लिए निर्धारित की गई है। धारा 6 में ऐसे व्यक्ति को कब्जे के पुनः प्राप्ति का अधिकार दिया गया है जिसे अपनी स्थावर संपत्ति से बिना उसकी सहमति से बेकब्जा कर दिया गया है या विद के सम्यक अनुक्रम के अलावा बेदखल किया गया है। आगे इसमें है, कब्जे के प्रत्युद्धरण का वाद कौन दायर कर सकता है? धारा 6 के अधीन बेकब्जा किए जाने पर कब्जे की पुनः प्राप्ति का वाद ऐसे व्यक्ति ला सकते हैं। पहला, वह व्यक्ति स्वयं जिसे बेकब्जा किया गया है, या दूसरा, उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति। यह धारा आंशिक बेकब्जा होने पर भी कब्जे के पुनः प्राप्ति के लिए उपचार प्रदान करती है, क्योंकि बेकब्जा शब्द में आंशिक तथा पूर्ण दोनों शब्द शामिल हैं। धारा 6(2)(a) में स्पष्ट किया गया है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर कब्जे के पुनः प्राप्ति का वाद वे कब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के बीच जाने के पश्चात दायर नहीं किया जा सकेगा। 6 माह की गणना उस तिथि से शुरू होगी जिस तिथि से उसे बेकब्जा किया गया है। धारा 6(2)(b) में स्पष्ट किया गया है कि स्थावर संपत्ति से सरकार द्वारा बेकब्जा किए जाने पर सरकार के विरुद्ध कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह से धारा 6 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए दायर किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी, ना ही ऐसे आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन होगा। ठीक है, तो टॉपिक पूरा हो गया है। आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।